उत्तराखंड में हुए पटवारी की परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने के मामले में आज कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। आपको बता दें, आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में बुद्ध पार्क के अंदर धामी सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष राहुल ने कहा कि आज जिस प्रकार से धामी सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और जो भी रोजगार निकाल रही है उसका पहले से ही पेपर लीक हो रहा है, इससे साफ होता है कि धामी सरकार के कर्मचारी कितने सतर्क तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आज लगातार हर पेपर लीक हो रहे हैं, कर्मचारी आयोग पूरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा है और युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षा दोबारा होगी तो इससे परीक्षार्थी का मनोबल टूट जाता है। इस तरीके से बहुत दुख है कि लगातार निरंतर जब से मुख्यमंत्री आए हैं, जब से कोई भी परीक्षा होती है तो परीक्षा लीक हो जाती है। एक बहुत बड़ा दुखद है और हमारे यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक छलावा है इस सरकार में। और जब हमारा बच्चा यहाँ का युवा रोजगार के लिए तलाश करता है और किसी तरीके से भर्तियाँ निकलती हैं और उसके बाद भी जो भर्तियों में पेपर देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो ये बहुत एक दुखदायी होता है उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए और सारे जिसके कहते हैं बेरोजगारों के लिए कि इस तरीके की जो सरकार है, ये सरकार जो बेईमानी वाली सरकार है। सरकार को मैं समझता हूँ कि अब मुख्यमंत्री जी को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलाना नहीं जानते हैं और उनके जो ये जो शासन प्रशासन है उनके हाथ में नहीं रह गया है। और जिस तरीके से आए दिन कोई भी परीक्षा होती है और परीक्षा लीक हो जाती है, ये बहुत दुर्भाग्य है इस छोटे से उत्तराखंड प्रदेश में। जिस तरीके से रोजगार की वैसी कमी है, तो आज हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आह्वान पर यहाँ पर पुतला दहन किया है यूथ कांग्रेस के साथ साथियों के साथ। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष जाँच इस तरीके की होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें दोषी हो उसको कठोर कठोर सजा मिलनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री को थोड़ी सी आगामी भविष्य में जनवरी माह के था उसमें 8 तारीख को जो परीक्षा हुई थी पटवारी की, वो लीक कर दी, लीक हो गई है। तो ये बार बार होता ही रहता है, ये इसी परीक्षा की बात नहीं है, जितनी परीक्षाएं होती हैं ज़्यादातर इसमें होता ही है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, कर्ज लेके कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इतनी महंगी महंगी कोचिंगों को करते हैं, तो इसका कौन भरपाई करेगा? बच्चे ऐसे मेहनत ही करते रहेंगे क्या दिन रात? इसलिए इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और CBI प्रथम तो ये मांग है कि जो राज्य सरकार है वो ही पूर्णतः युवाओं के साथ जो उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन विफल है सरकार चलाने में। और कहीं ना कहीं देखिए, हमारे जो राज्य के युवा है वो बड़ी दूर दराज से आके इस शहर में कोचिंग लेता है और एक बड़ी मुश्किल से पेपर की तैयारी करता है, अपना गुजर बसर करके पेपर देता है, लास्ट में भर्ती कैंसिल कर दी जाती है कहीं ना कहीं पेपर लीक के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकार के लोग बैठे हैं, आला कमान बैठे हैं या प्रशासन के लोग बैठे हैं, उन्हीं के माध्यम से ये हो रहा है। तो इसमें एक CBI जाँच बिठानी चाहिए, एक कोर कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और CM साहब को नैतिकता के आधार पर जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए कि राज्य को आगे बढ़ाने के बदले युवाओं को पीछे ले जाने का काम हमारी राज्य सरकार कर रही है और वो सरकार चलाने में विफल है। जो रोजगार की बात करती है, रोजगार छीनने